जय श्री कृष्णा। आर्यव्रत की कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ निर्जला एकादशी के व्रत की विधि। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को निर्जला एकादशी आती है। इसे भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। यह सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। 24 एकादशियों व्रत पकड़ना हो तो इसे एकादशी से पकड़ना। व्यास जी के कथा अनुसार यदि वर्ष भर कोई एकादशी न कर सके तो केवल इस एक निर्जला एकादशी का निर्जल व्रत करने से वर्ष की पूरी 24 एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी का व्रत करने की विधि। यह एकादशी बड़ी मानी जाती है, अतः स्त्री पुरुष बालक सभी व्रत करना। निर्जला एकादशी का निर्जल तथा निराहार व्रत करना। नित्य के आचमन आदि से भिन्न जल पान को छोड़कर निर्जल व्रत करना। निर्जल रह सके तो आम का फलाहार करना, किंतु जल नहीं पीना। आम पर न रह सके तो दूध फल देना। उस पर भी न रह सके तो आशक्ति में सागर लेना। फक्त अन्न का त्याग करना। एकादशी को गंगा स्नान करना, कथा सुनना, कथा पर फल और रुपया चढ़ाना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना। आम और शक्कर पर रुपया रखकर कल्पना निकालकर सासू जी को देकर प्रणाम करना। बहन बेटियों के यहाँ कल्पना निकालने के लिए आम, शक्कर और रुपया भेजना। निर्जल व्रत करे वे द्वादशी को प्रातः स्नान करके जल का घड़ा, शरबत और सीधा ब्राह्मण को देकर फिर जलपान करना और द्वादशी रहते पारना करना। यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।